हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपीजीएस पटना में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ कब हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व, 9,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व या 6,000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? समुद्र का तट, नदी का तट, दो नदियों के बीच की भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के मध्य स्थित थी? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, सिंधु एवं रावी, गंगा एवं यमुना या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया की मिट्टी कैसी थी? बंजर, रेतीला, उपजाऊ या दलदली? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपजाऊ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? चोरी, कृषि, व्यापार या मछली मारना? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक ले हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ। मेसोपोटामिया की सभ्यता के कितने भाग थे? 9, 6, 5 या 4? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है दोस्तों, वह कौन कौन सा था? तो पहला हो जाएगा सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा असीरिया की सभ्यता और चौथा कैल्ड्रिया की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है? सुमेरु में, बेबीलोन में, असीरिया में या कैल्ड्रिया में? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की पहली सभ्यता कौन थी? सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? शहरी, नगरीय, ग्रामीण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? चार्ल्स मैसन, हिक्सन एवं ओपर्ट, कनिंगम या जॉन मार्शल? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंसक एवं ओपर्ट ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था? सुमेर, बेबीलोन, ऊर या किस? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुमेर, क्योंकि जो सुमेर था वो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया में कौन सी लिपि प्रचलित थी? देवनागरी लिपि, कुटिल लिपि, गुरुमुखी लिपि या किलाक्षर लिपि? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किलाक्षर लिपि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया सभ्यता के स्थान पर वर्तमान में कौन सा देश मौजूद है? अमेरिका, रूस, इराक या भारत? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इराक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सभ्यता के देव मंदिरों को क्या कहा जाता था? देवालय, जिगुरत, शिवालय या देव स्थल? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिगुरत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिगुरत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वर्ण की पहाड़ी, मृतकों का टीला, पवित्र स्थान या मठ?
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रचलित भाषा कौन थी? ब्राह्मी, संस्कृत, अल्लारोदियन, तमिल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्लारोदियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का प्रतापी शासक कौन था? सिकंदर, हमुराबी, सिकंदर महान, नेपोलियन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमुराबी। ठीक है दोस्तों, हमुराबी मेसोपोटामिया का प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोग किसकी स्तुति करते थे? अनु, एनलिन, एनकी या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ABC, अनु, एनलिन, एनकी, ये तीनों के स्तुति करते थे। अर्थात अनु का अर्थ है वायु, एनलिन का अर्थ है पृथ्वी और एनकी का अर्थ है जल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो हर रोज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।